दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको घर पर 56 कद्दू उगाना सिखाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे होम गार्डन में गमले में 56 कद्दू को उगा सकते हैं और इससे 56 कद्दू तोड़ भी सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 56 कद्दू के बीज लगाने से लेकर इस तरह 56 कद्दू तोड़ने तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। छप्पन कद्दू को इसके बीज से लगाया जाता है। बीज को आप सीधे गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर किसी इस तरह के थर्माफॉर्म पॉट में भी आप बीज को लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 56 कद्दू के बीज हैं और इन्हें मैं इस थर्माफॉर्म पॉट में लगा रहा हूँ। बीज की गहराई लगभग आधा से एक इंच रखनी है। आधा से एक इंच पर बीज लगा दीजिए और फिर उसी मिट्टी से कवर कर दीजिए। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मात्रा में आपको कंपोस्ट मिलानी है। जब आप बीज लगा देंगे तो बीज लगाने के लगभग एक से दो हफ्ते में 56 कद्दू के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और पौधा फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे ही पौधे में ट्रू लीव आने लगें आप इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएं तो ध्यान रखें कि ग्रो बैग में जो आप मिट्टी भरें वो वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरपूर हो। इसके लिए आप 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% खाद और 30% इसमें जो है कोकोपीट मिलाकर अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। 10% में आप बोन मील, मस्टर्ड, केक, नीम खली जैसी चीज़ों को मिला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो 56 कद्दू के पौधा है इसे इस ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है मिट्टी सहित। ध्यान रखिएगा 56 कद्दू के पौधे को आपको मिट्टी सहित ही ट्रांसफ़र करना है। अगर आप उसको जड़ से उखाड़ कर लगाएंगे तब वह नहीं लगेगा, फिर आपको सीधे ही ग्रो बैग में लगाना होगा। पौधे को ग्रो बैग या गमले में लगाने के बाद आपको उसमें जो मिट्टी है उसमें अच्छे से पानी दे देना है। पानी इतना दीजिए कि जो गमले की मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाए ताकि कोई भी मिट्टी सूखी ना हो, ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करे। इसके बाद आप किसी भी लकड़ी या जो जैसे बांस की लकड़ी होती है इससे जो है 56 कद्दू के पौधे को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि इसकी बेल बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेल नहीं करता। थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा, एक से 1.5 फीट या 2 फीट, और उसी में फिर 56 कद्दू लगेंगे। ये आप देख रहे हैं लगभग एक महीने बाद का रिजल्ट है और अब हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। एक महीने के बाद 56 कद्दू में फूल आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही इनमें फूल आने लगते हैं आप इनमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मेल फूल से पॉलिन लेकर फीमेल फूल में लगा दीजिए। हैंड पॉलिनेशन करने पर आपको ज़्यादा मात्रा में 56 कद्दू तोड़ने को मिलेंगे, मतलब कद्दू के फल खराब नहीं होंगे। कद्दू जो 56 कद्दू है यह लगभग 200 से 300 ग्राम का होता है, गोल होता है, और आप देख रहे हैं इस तरह से जो प्लांट पौधे की स्टेम है उसके साइड में ही लगता है। इसके बाद जब आप देखिए कि जो 56 कद्दू इस तरह से मैच्योर हो जाए और थोड़ा सा उसका कलर डार्क हो जाए, साथ में आप देखेंगे कि उसका वजन 200 से 300 ग्राम के बीच हो, तो आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करना बहुत आसान है, आप इस तरह से आराम से उसे घुमाइए और ये इस तरह से टूट जाएगा और फिर आप इसका इस्तेमाल अपने घर में सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। इसे समर स्क्वैश के नाम से भी जाना जाता है। इसको उगाने का 56 कद्दू को उगाने का सही टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो जून से अगस्त के बीच आप इसे लगा सकते हैं और दिसंबर जनवरी में भी आप 56 कद्दू को लगा सकते हैं। बहुत आसानी से होम गार्डन में हो जाता है, बहुत जल्दी हार्वेस्ट मिलती है, लगभग 2 से 2.5 महीने में ही आपको 56 कद्दू तोड़ने को मिलने लगेगा। खाद की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी खाद में ऑर्गेनिक बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप इसमें दे सकते हैं। साथ में इस पौधे को फुल सनलाइट पसंद होती है, तो दिन में 6 से 8 घंटे की सनलाइट आप देंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं रोग की बात करूं तो इसमें स्पेशली ज़्यादा कोई रोग नहीं आते, जो रोग नॉर्मल कद्दू में आते हैं वही आते हैं, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, इससे ये काफ़ी हद तक रोगों से बचा रहेगा और फिर आपको इस तरह से ढेर सारे 56 कद्दू तोड़ने को मिलेंगे। ये जो 56 कद्दू मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप इनके बीज खरीद सकते हैं और इन्हें लगा सकते हैं।
छप्पन कद्दू उगाने का आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्या आपने अपने घर में इस तरह से छप्पन कद्दू उगाया है उसके बारे में भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे दूसरे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।